वतन के जा निसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। इस 15 अगस्त भारत को आजाद हुए 77 साल हो जाएंगे। वो भारत देश जिसकी जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। पांच से 24 साल के आयु वर्ग में तकरीबन 58 करोड़ लोग आते हैं, तभी तो भारत को युवा देश भी कहा जाता है। आप अपने आप को युवा मानते हैं? यस। हाँ, अभी तो क्या ज्यादा उम्र है, अब 50-55 में तो बूढ़ा थोड़ी हो जाता आदमी। बिल्कुल मानते हैं युवा। अरे युवा ही हैं हम। देखिए, अंगूर की कीमत 100 रुपये है और किशमिश की कीमत 400 रुपये है, तो हमको आने वाले बुढ़ापे पे गर्व होना चाहिए कि बच्चे हमको देखें कि हाँ भाई, हमारे पापा ऐसे हैं। आंकड़े कम ज्यादा होते रहेंगे, मगर फिर हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो दिल से युवा है और सदा युवा ही रहेंगे। भारत में 25 करोड़ से भी ज्यादा स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो और किसी भी मुल्क से ज्यादा है। गेम्स खेल लेता हूँ कभी कभार। पहले ज्यादा प्रेम था, अब लोगों में इतना प्रेम नहीं है। एक तो ये जो हॉस्पिटल लाइन है और शिक्षा, इसको थोड़ा इजी बनाना चाहिए कि हर आदमी अफोर्ड कर सके। अब जैसे जिसका अच्छा वो नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, वो नहीं करा पाता अपने बच्चों को वहाँ से। कंपटीशन इतना है कि वो कहाँ से करेंगे कम्पटेट उनसे। कि बच्चों को पढ़ाई इस तरह की हो जाए कि वो आगे जिस चीज़ में जाना चाहे ना, उसी चीज़ की पढ़ाई शुरू से हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकता है बच्चा। अब हम उस पर पढ़ता कुछ है, थोप कुछ देते हैं, उसको उसके हिसाब से जॉब ही नहीं मिलती। मेजर चेंज जो मैं चाहती हूँ वो है एथिक्स के पार्ट पे। लाइक हम लोग टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, सो कॉल्ड जनरेशन एक्स है हमारी, लेकिन कहीं मुझे लगता है कि मॉरल और एथिक्स के पार्ट पे हम लोग कहीं लैक कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो मन में क्या था ना कि एक बड़ी बेचैनी सी रहती है उसके लिए कि हम ट्रैवल कर रहे हैं या हम कुछ और ढूंढ रहे हैं, तो पा बहुत कुछ रहे हैं लेकिन एक सेंस ऑफ लोनलीनेस और कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सेंस। तो ये भी साथ में हमें लेके चलना चाहिए, और ऐसी कुछ एजुकेशन भी होनी चाहिए बच्चों को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली गवर्नमेंट का हैप्पीनेस करिकुलम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी कंटेंटेड, इट शुड बी देयर। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक 14% ऐसे गांव हैं जहां एक भी स्कूल नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के कारण से तो आगे बढ़ने पर। देखो, शिक्षा से ही आदमी को कामयाबी मिलती है, बगैर शिक्षा तो कहाँ मिलेगी। जो मेरा ज़माना था, मेरा टाइम था, उस टाइम मेरी जो ग्रेजुएशन थी, मतलब यह कि वो मेरे हिसाब से बहुत थी, क्योंकि हमारे पूरे गांव में से सिर्फ हम 6 लड़कियाँ जाते थे और 6 में से जो ग्रेजुएशन हुई वो हमारी 2 की हुई। बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। जिस टाइम में तो इच्छा ही थी नौकरी की, लेकिन किस्मत में नौकरी हो तो मिले ना, ये तो किस्मत ही का खेल हो गया जी। हाँ, बागा दौड़ तो खूब की थी। लोग इंतज़ार करते थे कि 15 अगस्त को जाना है, झंडा फहराया जाएगा, बूंदी के लड्डू मिला करते थे।
15 अगस्त की जी ये याद आता है कि जैसे कि स्कूल में पढ़ते थे ना, तो उस टाइम में राष्ट्रीय गान गाना गा के और झंडा फहरा के और ये क्या नाम बोलते हैं बूंदी का प्रसाद होता था, वो सब बच्चों को हमारे को दे देते थे। बढ़िया छुट्टी होती थी, पूरा दिन मौज मस्ती करते थे, अरे झंडा लहराते थे। प्रोग्राम होगा और हमें लड्डू मिलेंगे, उसकी ज़्यादा तैयारी रहती थी। मेरे बहुत सारी बचपन की बहुत सारी यादें हैं। पहली बात तो मैं बताऊँ, मेरी हर 15 अगस्त पे नई ड्रेस सिलती थी। हम बिना नई ड्रेस के स्कूल जाते ही नहीं थे, क्योंकि हमें और सुबह ही उठ जाते थे, रात में नींद नहीं आती थी। तो लेके झंडा सुबह ही सुबह अपना घूमते थे पूरे में, पूरे बच्चे इतना शोर मचाते थे। तो वो लाइफ तो बिल्कुल ही ऐसी लाइफ थी कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है। 1947 से लेकर 2023 तक सड़कें बदल गईं, लिबास बदल गए, सरकारें बदल गईं, ख्वाब बदल गए, थोड़ी अंग्रेजी सीख गए हम, तो कुछ रवायतें पीछे छोड़ आए। उम्र कोई भी हो, वक्त कैसा भी हो, पर हर दिल में तिरंगा यहाँ बराबर लहराता है और हर कोई खुशी से गाता है। सारे जैसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशतां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा।